हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। चैप्टर 3 बायोलॉजी क्लास 11th को हम अभी यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पहले दो चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, लाइफ के बारे में पढ़ा था, और उससे अगले चैप्टर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, कैसे आई है, कहाँ कहाँ से आई है। उसके अंदर हमने मेन तीन किंगडम पढ़े थे आपका, उसके अंदर मोनेरा पढ़ा था, उसके बाद प्रोटिस्ट पढ़ा था, और पढ़ा था लास्ट में फंगस। और ये कहा था उसके चैप्टर के एंड में कि जो एनिमल और प्लांट किंगडम है उनको हम रिस्पेक्टिव थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम आ गए हैं थर्ड चैप्टर में जो कि आपके सामने है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। हमने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा, बड़ा बड़े स्केल पर देखा था कि भाई मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगस, एनिमल, प्लांट को, जो कि विटेकर ने 1969 में दी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं या पॉपुलरली क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम बोलते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट, हम यहाँ पे किस बात पे जोर देंगे भाई, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम। हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कोर्स ऑफ टाइम जो था उसके साथ साथ हमने क्या डेवलपमेंट की है। फंगस एंड मेम्बर, जो फंगीज थी एंड द मेम्बर थे जो मोनेरा के या जो प्रोटिस्ट था, उनके पास क्या आदि सेल वॉल थी, ठीक है, लेकिन बाद में उनको एक्सक्लूड कर दिया गया प्लांट से। एक्सक्लूड मतलब अलग कर दिया। जब लीनियस आया था उसने कहा था कि दो ही टाइप के जीव हैं, प्लांट और एनिमल। उसने किस बात को बोला कि भाई प्लांट के पास ना सेल वॉल होती है, तो सबके पास सेल वॉल थी, लेकिन जब विटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी तो इसने इन सबको क्या कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया। दाओ अर्ली क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गा। और साथ में क्या बताया कि जो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं वो एल्गा ही नहीं था, मतलब नाम उसका स्टार्टिंग में था ब्लू ग्रीन एल्गा, आज तक हम उसको इस नाम से जानते हैं, बट एक्चुअल में वो एल्गा नहीं है, वो बैक्टीरिया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटे। ये प्लांटे किंगडम के क्या हैं, आपके अलग अलग फाइलम्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। लेट अस also look at the classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. हम कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, concerns को देखते हैं जिन्होंने क्या किया है, influence किया है classification system को। The earliest system जो शुरुआत का था वहाँ पे क्या था, only growth superficial morphology character such as habit, color, number and shape of leaves। शुरुआत में जब क्या था classification हुई थी तो वहाँ पे बेसिक बातों को, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को क्या किया गया था, अंडरटेक किया गया था। उसमें क्या थे भाई, कोई किस कैसी उसकी आदतें हैं, कैसा कलर है, कितने नंबर उसके अंदर सेल के, या वो खुद कितने नंबर हैं, या अगर प्लांट है तो लीफ कितनी है, ठीक है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर, वो सारे इस पर डिपेंड करते थे वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव क्या होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स सीड को छोड़ के किसी और बॉडी पार्ट से क्या होना, रिप्रोडक्शन होना या डिवीजन होना, तो वैसा ही क्या है यहाँ पे, वेजिटेटिव पार्ट, उसके बॉडी पार्ट जो हैं। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर क्या था, मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, गायनोशियम। तो यहाँ पे एंड्रोशियम का भी इसने यूज़ किया था लीनिस ने। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, वो क्या थे, आर्टिफिशियल थे, मैन मेड थे। दे सेपरेट, उन्होंने क्या किया इन सिस्टम ने क्या किया, दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू करेक्टर। देखो भाई सिंपल सा फंडा क्या है, जब शुरुआत हुई क्लासिफिकेशन की तो मोटी मोटी बात देख ली भाई, कहाँ रहता है वो पौधा, कहाँ मतलब उगता है, कैसा दिखता है, कितनी सेल्स वगैरह हैं, पत्तियाँ कैसी हैं। और लिनस बोला कि भाई एंड्रोशियम भी देख लो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, एक सुपरफिशियल थी, ऊपर तौर से देख रखा था, तो उनको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल। अब आते हैं नीचे, आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, लेकिन उसने इक्वल वेटेज दी थी किसको, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। और देखो भाई इनको हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जो वेजिटेटिव तरीके होते हैं ना वो एनवायरमेंट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं भाई। ज़रूरी नहीं कि हर पौधा हर सीजन में कलम से उसको हम उगा सकें या उसके पत्तियों को उगा सकें सीधा सीधा, तो वो क्या होता है, सीधा सीधा डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे। तो ये भी एक यहाँ पे गलत बात थी। एज अगेंस्ट दिस, इसके अगेंस्ट क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म। वो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था, उसको देख लेते हैं वो क्या क्या था।
नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट उसके अंदर क्या था, इंटरनल फीचर। जैसे देखो भाई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो सेल है ना वो किस टाइप की है, वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। एनाटॉमी, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हम इंसान की बात करें, हम और आप शीशे में खड़े होकर खुद को देखते हैं तो जो हमें दिखता है वो अपनी मॉर्फोलॉजी होती है। लेकिन अगर हम अपने पोस्टमार्टम करवाएं, सॉरी अपना तो कैसे करवाएंगे, दूसरे का होते देखें तो अंदर जो दिखता है ना, हार्ट, किडनी, लंग, सो वो किसके अंदर आते हैं, एनाटॉमी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी, जब कोई भी जायगोट बनता है, कोई एम्ब्रियो बनता है तो वो किस तरीके से डेवलप करता है, वो सब किसके अंदर आता है, एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, एम्ब्रियो मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, सॉरी न्यूबॉर्न नहीं, जो अंडर डेवलपमेंट होता है, मदर वूम में होता है। या अगर हम बात करें प्लांट की, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, वो सारा कि भाई सीड के अंदर जो एम्ब्रियो कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, क्या उसके अंदर फेज है, तो उन सब का भी इस्तेमाल किया। साथ में फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री जैसे कि साइटोकेमिस्ट्री होता है ना, कि साइट तो सेल के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, ऐसे ही प्लांट के लिए फाइटो वर्ड आता है तो फाइटोकेमिस्ट्री, कि वो प्लांट की क्या कंपोजिशन है। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन दो साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, इसको लेके आए थे। एट प्रेजेंट अगर आपकी बात करें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। अब जो करंट में चल रहा है उसके अंदर बात करते हैं इवोल्यूशन की, कि जो प्लांट वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं, उनके एंसेस्टर कैसे रहे होंगे। तो फाइलोजेनेटिक मतलब के इवोल्यूशनरी रिलेशन की बात करते हैं। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। का ये मानना है कि अगर किसी सेम टैक्सा से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उनका जो पूर्वज था वो भी कोई सेम ही होगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजोल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं मैक्सिमम, ताकि जो चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकें, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके ईजिली समझ सकें। दिस बिकम मोर इम्पोर्टेंट वैन देर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ऐसे अलग चीज़ें, देखो हमने कहा कि भाई हम फाइलोजेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, 100% करते हैं, फ़ायदा भी होता है, लेकिन बात कर दी कि इसके अलावा हम अल्टरनेटिव सोर्सेज का इस्तेमाल भी करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर हमें किसी के फॉसिल के बारे में ना पता हो कि वो कहाँ से आया उसका पेरेंट, तो उस केस में ये हमें पता लग सकता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आती है, फिर नंबर्स का खेल आ जाएगा, विच इज़ नो नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर। देखो क्या होता है, हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, हमने इंफॉर्मेशन डाल दी कि भाई कर्ली लीव्स के लिए नंबर 1 है, लॉन्ग हाइट के लिए 2 नंबर है, तो हमने अलग अलग कैरेक्टर को नंबर दे दिए। और जब हमें कोई भी नया पौधा मिलता है तो हम उसकी डिटेल चेक करके उसको कोड की फॉर्म में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो कंप्यूटर हमें खुद बताता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो किस क्लास से मैच करता है, किस जीनस के अंदर आता है या किस किंगडम के अंदर आता है। नंबर एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर, जैसे कि हमने बताया कि हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, एक नंबर या कोड होता है। एंड द डाटा आर देन प्रोसेस, और बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस इन दिस वे। इस तरीके से क्या होता है, हर कैरेक्टर को ना इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, शेप हो, कलर हो, पिगमेंट हो, क्लोरोफिल है, जो भी है, उसके अंदर एक ही टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर करके रख सकते हैं। अब आएगी लास्ट में आपकी साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो जैसा मैंने ऊपर फाइटो बताया था, वैसे साइटो, दिस इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक भाई सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी कीमो टैक्सोनॉमी में क्या आ जाएगा, केमिकल कौन से यूज़ हुए हैं, दैट यूज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट रिजोल्व भाई कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं, कौन से उसके अंदर फोलिक एसिड या मतलब कौन से उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, सॉरी कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। तो ये जो हमने टैक्सोनॉमीज पढ़ी, ये सारी की सारी मिलकर आपको क्या बताती है कि आपको क्या मतलब पहचानना है, उसको कैसे पहचानना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसी वीडियो में हम अभी करेंगे अपना कंटिन्यू एल्गा। एल्गा क्या था, आपके प्लांट किंगडम का सबसे पहला डिवीज़न है। ठीक है, देखो क्या होता है, हम किंगडम के बाद पढ़ते हैं फाइलम नॉर्मली, लेकिन क्या होता है, फाइलम एनिमल्स के लिए बोलते हैं लेकिन प्लांट के लिए बोलते हैं डिवीज़न। मतलब फाइलम जो होता है और आपका क्या है, डिवीज़न, वो एक ही बात है, बस प्लांट के अंदर डिवीज़न बोल देते हैं, एनिमल के अंदर उसको फाइलम बोल देते हैं। एल्गा की बात करते हैं, एल्गा आर क्लोरोफिल बियरिंग। देखो सारे वर्ड हैं छोटे छोटे, मार्क करते रहना इनको। क्लोरोफिल बियरिंग मतलब इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, मतलब कलरिंग पिगमेंट होगा, मतलब इसका रंग कैसा होगा, हरा।
पानी पे देखा भी होगा तालाब वगैरह में या जो गांव में ओदी होती है अपने ट्यूबवेल वगैरह के आसपास उसके ऊपर काई जम जाती है या किसी भी लीक होती हुई टंकी के आसपास आपको काई देखने को मिल जाएगी। सिंपल होती है, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होती, थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब कि फैली हुई होती है थैलस की जैसी। ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज देखो भाई क्लोरोफिल है तो क्या रहेगी, सिंपल सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉफिक रहेगी। एंड लार्जली एक्वेटिक, मैंने अभी बताया था पानी के आसपास या नमी के आसपास होती है तो क्या रहेगी, ये एक्वेटिक। अब पानी कैसा चीज़, इसको फ्रेश वाटर में भी काम चल जाएगा जो रिवर वाटर होता है, और मरीन वाटर में भी आराम से रह लेगी। दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट, इसके अलावा ये अलग अलग जगह भी पाई जाती है। जैसे मैंने कहा था कि लीक होती हुई टंकी के आसपास तो पत्थर पे मिलेगी, तो गीले पत्थर पे मिल जाएगी, मॉइस्ट स्टोन पे, गीली मिट्टी में मिल जाएगी, गलती सड़ती गीली भीगी हुई लकड़ी पे मिल जाएगी ये, ठीक है, तो कहीं भी मिल सकती है। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस, जब हम पढ़ रहे थे ना फंगस के बारे में तो हमने बताया था कि वो लाइकन के साथ मिलती है, अब हम पढ़ रहे हैं सॉरी एल्गा के साथ मिलती है, अब हम पढ़ रहे हैं एल्गा, तो ये किसके साथ मिलेगी, फंगस के साथ। एसोसिएशन का नाम क्या रहेगा, लाइकन। और ये एनिमल के साथ भी मिल जाती है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल दिया था स्लोथ बियर, ये काफ़ी स्लो होता है, मॉइस्चर इसकी बॉडी पर रहता है, जब प्लांट की लीफ टपकती है इसकी बॉडी पर तो यहाँ पर भी काई लग जाती है। अब देखो ये था इसके लोकेलिटी की, कहाँ पाई जाएगी कैसी होती है, अब साइज़ की बात कर लेते हैं। दे फोम, इनकी जो फॉर्म है ना इस फॉर्म में मिलते हैं, जो साइज़ है एल्गा का वो क्या है, वेरिएबल है। अगर बात करें रेंज की तो रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल लाइक, देखो अब ना ये जो जैसे हम एक वर्ड बोल देंगे, ये आपका नीट क्वेश्चन अभी कैसे है, देखो कि भाई नेम है एल्गा विच इज कॉलोनियल तो क्या रहेगा आपकी, वोल्वोक्स, वोल्वोक्स नाम है एल्गा का, ठीक है। फिलामेंटस एल्गा कौन सी होगी, ओल्थ्रिक्स एंड स्पायर वगैरह, ठीक है, ये नाम है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, ये मत मानना कि क्वेश्चन कहीं और से बनेगा, सब यहीं से आएगा। ए फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म, कुछ देखो जैसे कैल्प्स है, टेंशन नहीं लेने का, ये भी एक नाम ही है, ठीक है। कैल्प्स काफ़ी बड़ी होती है, अगले पेज पे आपको डायग्राम इसका मिल जाएगा, वहाँ आप इसको देख सकते हो। कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, ये काफ़ी भारी भरकम बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी भी क्रिएट कर देता है। द एल्गा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, जो एल्गा है वो, अब देखो हमने पढ़ लिया कैसे रहता सहता है, क्या उसके फीचर हैं, किस तरह का वो होता है, अब बात आई क्या वो डिवीज़न करता है, अगर हाँ तो कैसे, तो यहाँ पे जो डिवीज़न है वो तीनों टाइप से होता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। देखो होगा क्या, अब हम प्लांट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल से जाएंगे एडवांस की तरफ, ठीक है। और सिंपल प्लांट में क्या होता है, सारे मेथड अप्लाई होते हैं, लेकिन जब बात आती है स्पेशलिटी की एंड में जाके तो आपकी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी वहाँ पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होता है, और इसका हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक थैलस को जन्म देता है, क्योंकि हमने कहा था एल्गा थैलस जैसी होती है, हल्का सा एक लोथरा सा बन जाएगा थोड़ा सा सेल्स का, और बाद में वो ग्रो करेगा जैसे जैसे उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा। एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, स्पोर बनते हैं, स्पोर हम बता चुके हैं कैसे बनते हैं, ठीक है, पिछले यूनिट्स के अंदर। मोस्ट कॉमन बींग, सबसे कॉमन जो होता है जू स्पोर होता है, और जू स्पोर की खास प्रॉपर्टी है ये मूव कर सकता है, मोटाइल होता है। जू स्पोर कैसा है, फ्लैजिलेटेड है, इसके पास फ्लैजिला होता है, एक स्पोर है जिसके पास क्या है, फ्लैजिला। एंड जब ये जर्मिनेट करता है तो इससे क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे होगा, फ्यूजन से होगा कि दो गैमेट्स के, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज, अगर सेम है तो किसके अंदर होंगे, देखो ये अगेन हमने कंडीशन रख दी कि भाई सेम सिमिलर टाइप के गैमेट इसके अंदर मिलेंगे ओल्थ्रिक्स के अंदर, तो ये एक एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है। नॉन फ्लैजिलेटेड किसके अंदर होंगे, वो स्पायर वगैरह के अंदर मिल जाएंगे। देखो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं लेकिन सिमिलर है, कंडीशन पढ़ो ध्यान से, पहले सेम साइज़ के सिमिलर थे, ठीक है, अब की बार अलग अलग हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं और साइज सेम है स्पायर वगैरह। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और जब सेम होते हैं इसको बोलते हैं आइसोगैमस, अगर डिफरेंट होते हैं इसको बोलते हैं एन आइसोगैमस। लेकिन डिफरेंट के अंदर कंडीशन है, डिफरेंट भी है गैमेट्स लेकिन वहाँ पे फीमेल गैमेट जो है वो क्या है, लार्ज है और डोमिनेटिंग है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, ओगैमस। और ओगैमस के एग्जांपल क्या है, वोल्वोक्स और फ्यूकस। तो भाई इन बातों को, जो एग्जांपल्स हैं, इनको गांठ मार लो दिमाग में, इनको सेट कर लो, ये नीट में यही आएंगे और कुछ नहीं आने वाला। इसके जस्ट बाद अगले पेज पे जो डायग्राम है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी डायग्राम को दे दिया सामने जो आपके है, और इसमें पूछ लेगा कि ये बताओ क्या, इसको काट देगा कि व्हाट इज़ दिस, तो ये आपको बताना, नीचे चार पॉइंट मिलेंगे एमसीक्यू में, आपको वहाँ से एक चुनना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनेंगे। अब आते हैं आगे, जैसे इनके जो नाम है डायग्राम्स के, ये एक नीट एस्पायरेंट को याद होने चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो बच्चा है वो ना भी याद रखे तो चल जाएगा, लेकिन उसको याद होने चाहिए। अब आते हैं आगे,
1 second. Alga are useful to man and variety of way. अब देखो हर एक चीज़ की ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़रूरी होती है कि वो इंसान के साथ उसका क्या रिलेशन है. तो आज इस वीडियो में एल्गा ही पढ़ेंगे तो इसको देख लेते हैं. एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस. मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आज की बात. आज तक हम क्या मानते थे कि प्लांट करते हैं जो कुछ करते हैं, लेकिन ये कभी सोचा नहीं होगा कि भाई आधे से ज़्यादा CO2 का फिक्सेशन कौन करते हैं, एल्गा. कैसे करते हैं? देखो अर्थ के ऊपर मोर देन 70% क्या है, वाटर है. और वाटर है तो उसके अंदर क्या मिलेगी, काफ़ी सारी एल्गा. ठीक है, अब प्लांट को तो 30% हिस्सा मिला है, लगभग 30%. उस पे सारे पे प्लांट है नहीं. हालांकि देखो कि 30% का आप एक सेक्शन कट करो और एक आप 70% का कट करो तो एल्गा के हिस्से में ज़्यादा स्पेस आता है. तो ज़्यादा एरिया में कौन फैली है आपके समंदर में, एल्गा फैली है. और जो करती क्या है, फोटोसिंथेसिस. और एल्गा पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी है, लेकिन प्लांट आपको पानी में नहीं मिलेंगे, समुद्र में प्लांट नहीं मिलेंगे. बींग फोटोसिंथेटिक, क्योंकि एल्गा क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस क्या करेगी, ये दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, अगर ये ज़मीन वगैरह पे हैं ठीक है तो मिट्टी को इरीएट कर देंगी या कि हवा में O2 मिला देंगी, लेकिन अगर पानी में है तो वहाँ पे पानी के अंदर क्या मिक्स करती हैं, ये O2, जिससे कि वहाँ के एक्वेटिक एनिमल क्या कर सकें, सांस ले सके. दे आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो एक्वेटिक एनिमल है ना, उनको खाना पहुँचाने में जो सिरमौर है सबसे ऊपर जो टॉप पर बैठी है ना, पैरामाउंट होती है. पैरामाउंट का मतलब होता है जो टॉप लेवल पर होता है. तो वो किसका रोल है वहाँ पर सब खाना देने का, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ओशन इज एल्गा. अब इसकी कई स्पेसिस की बात है, प्रोफायरा है, लेमनेरिया है, सरगेसम है, ये. और इसके अलावा 70 स्पेसिस ऐसी हैं मरीन एल्गा जिसको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं, ह्यूमन भी यूज़ करते हैं. और भाई ये डिशेस 5-star होटल्स के अंदर बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, काफ़ी महंगी. सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गा, बात कर रहे हैं कलर की भी, मरीन ब्राउन और रेड एल्गा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड. अब हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस. देखो अब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल कहाँ होगा, आप सबको पता है समुद्री जहाज चलते हैं, कई कई महीने चलते रहते हैं, उनके खाने को भी नमी चाहिए होती है, अगर नहीं होगी तो सूख जाएंगे. तो उन खानों की रैपिंग हम इन एल्गास के अंदर बीच में लपेट के करते हैं, क्योंकि ये पानी सोख के रखती हैं. अगर पानी ख़त्म भी हो जाएगा तो ओशन की मॉइस्चर से पानी को सोख लेंगी ये, ठीक है. और क्या रहेगा, खाने को मॉइस्चर देती रहेंगी, या हर एक उस चीज़ को जिसको मॉइस्चर चाहिए तो उसको इसके आसपास रख देते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं. एल्गीन एग्जाम्पल है इसका, एल्गीन जिसको ब्राउन एल्गा बोलते हैं, और कैरेगिन जिसको रेड एल्गा बोलते हैं. अब कैरेगिन कमर्शियली भी यूज़ की जाती है. अगर की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है अगर का, जब सेल वगैरह बनाते हैं उसके अंदर सॉल्वेंट्स बनाते हैं तब समझोगे आप इसको. वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जिलीडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, याद रखना जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली. आइसक्रीम जेली बनाने में और माइक्रोब को कल्चर करने में इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है. अब ये जो सारे इसके जो रोल है ना, ये सारे ना छोटी छोटी बातें हैं और सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लोरेला की बात करते हैं, एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो प्रोटीन में रिच होती है. देखो भाई अब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पेस ट्रेवलर है ना, जो अपने जाते हैं यूनिवर्स में घूमने के लिए, स्पेस स्टेशन में रहते हैं, वहाँ पे वो क्या खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं. उनको चाहिए कम खाना, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो. तो आपके क्लोरेला जो है किस टाइप का खाना है, जो कम खाने में क्या देता है हमें, हाई प्रोटीन. और जब स्पेस में जो होते हैं ना आपके स्पेस ट्रैवलर, उनकी बॉडी से कैल्शियम लेवल टूटना शुरू हो जाता है, मसल वीक होती हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, फोर्स नहीं लग रही उनके ऊपर, क्योंकि कोई भी काम वो बिना ताकत के करते हैं. और आप सबको पता होगा अगर आप मसल से वर्क नहीं कराओगे तो मसल कमज़ोर हो जाती है. तो स्पेस में अगर वो कुछ भी करते हैं, सबको पता होगा, किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी वीडियो में देखा होगा कि सब कुछ हवा में तैरता है, पानी भी तैरता है. तो उनको किसी भी चीज़ को, कितनी भारी चीज़ हो, उठाने में धकाने में जोर नहीं लगाना पड़ता, और जिसकी वजह से उनकी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं और मसल लॉस काफ़ी स्पीड से होता है. तो उस मसल लॉस को कंपनसेट करने के लिए उनको हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, जिसमें इस्तेमाल होता है क्लोरेला का, जो कि एक एल्गा है. और एल्गा भी कौन सी, इसका मेन बात ये नहीं है कि ये स्पेस ट्रेवलर का फूड है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है, ये इसको स्पेशल बनाती है. इसके बाद है द एल्गा आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी. एक बार मैं देख लेता हूँ ये कितने बड़े बड़े हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे चैप्टर को पूरा करेंगे या नहीं.
चलो कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो आपके आएंगे सबसे पहले, एक देखते हैं कहाँ भाग गया, क्लोरोफाइसी को पढ़ लेते हैं और जलगा को तो कर ही लेंगे। अभी तो बस 20 मिनट ही हुए हैं, कम से कम 20 मिनट का तो लेक्चर आज ले ही लेते हैं। रात है, गर्मी है, मज़ा है। चलो जी, क्लोरोफाइसी के बारे में बात करते हैं। अब क्लोरो नाम में क्या लग रहा है आपको, वर्ड यहाँ पे क्या लगा है? क्लोरो, तो क्लोरोफिल तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। क्लोरोफिल मिलेगा तो फोटोसिंथेटिक हो जाएगी, खाना खुद बनाएगी, सारे काम खुद करेगी। तो देखो, क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। देखो नाम क्लोरो से ही पता लग गया इसका। तो द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेल्ड, देखो मे बी यूनिसेल्ड, मे बी कॉलोनियल, मे बी फिलामेंटस, किसी भी टाइप की कॉलोनियन की हो सकती है, बॉडी हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन, जो आपकी घास का रंग होता है ना, वो वाला इनका रंग होता है ग्रास ग्रीन, ड्यू टू डोमिनेंसी ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब जो थोड़ा सा आपको एडवांस याद करना पड़ेगा, वो क्लोरोफिल नहीं पढ़ना आपको, क्लोरोफिल की टाइप पढ़नी है। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, कैरागिन है, जेंथोफिल है, रोडोप्सिन है, क्या है, ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं वो सब के सब क्या हैं? ऐसे पिगमेंट हैं जो प्लांट को एक खास तरह का कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, और सबको पता है कि क्लोरोफिल मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट में, और वो फिक्स जगह पे होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट, अगर उनकी बात करें कैसे होते हैं, वो डिस्कोइड, प्लेट लाइक या रेटिकुलेट या कप शेप हो सकते हैं, स्पायरल, रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीसीज, ये सब के अंदर कॉमन चलेंगे, मतलब किसी भी शेप के वो हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। इसको याद रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है कि भाई क्लोरोफाइसिस के अंदर स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है, उसके चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से कौन सा रहेगा आंसर सही? पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स कंटेन, अब ये स्टोर क्या करते हैं, पी फोर पायरिन, पी फोर प्रोटीन, ये किसको स्टोर करेंगी? प्रोटीन को, ठीक है, किसकी बजाय? स्टार्च की। सम एल्गा मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ ऐसे भी हैं जो ऑयल की फॉर्म में खाने को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गा यूजली हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, और ये रिजिड सेल वॉल है किससे बनी है? सेल वॉल से। देखो, अगर इस टाइप की आपकी कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, एक उसके अंदर लेयर है, एक उसके बाहर लेयर है, तो जो अंदर वाली लेयर है वो किससे बनी है? सेलुलोज से, और जो बाहर वाली है किससे बनी है? पैक्टोज से। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट कॉमन है। कैसे बनेगा? स्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे होगा? वीर अगेन वही जूस्पोर बनेगा। कहाँ पे? जूस्पोर एंजिया। इस बात को याद रखो, मैं बताता हूँ आपको। एंजिया जो वर्ड है ना, वन सेकेंड, एंजिया, ए एन जी आई ए, ये हमेशा प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? प्लेस को, कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो एंजिया वर्ड आ गया, या फिर गोनियम, जी ओ एन आई यू एम, गोनियम, ये दोनों वर्ड प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहूँ ऊगोनियम, तो ऐसा जगह है जहाँ पे ओवा बनता है। अगर मैं कहूँ स्पर्मेटेंजिया, जहाँ पे स्पर्म बनता है। या जैसे मैं कहूँ यहाँ पे आपका ये जो हमने भी यूज़ किया था, जूस पोरेंजिया, जहाँ पे जूस पोर बनता है। अब दूसरा वर्ड बताता हूँ, जेनेसिस, जी ई एन ई एस आई एस, इस जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन? जेनेसिस वर्ड। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ऊ जेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अगर मैं कहता हूँ जूस्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। अब दो बातें आपको पता लग गई कि देखो, कोई कोई तो स्पोर मिलेगा और कहीं ना कहीं वो बनेगा, वो उसकी एंजिया हो जाएगी या गोनिया हो जाएगी, और जिस प्रोसेस से बनेगा वो क्या रहेगा? उसकी जेनेसिस, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, ट्रिकी होते हैं ये, बस एक बार समझ में आ जाए तो काम चल जाएगा। अब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंसिडरेबल वेरिएशन उसके अंदर दिखाई देती हैं, जैसे कि सेक्स सेल्स बनती हैं, और वो सेक्स सेल्स जैसे कि गैमेट जिनको बोलते हैं, या तो आइसोगैमस हो सकती हैं, या एनाइसोगैमस, या ओगैमस, ये तीनों आपको पिछले टॉपिक में कराए थे। दोबारा रिपीट करते हैं, आइसोगैमस जिसमें क्या है, बिल्कुल सेम है दोनों मेल फीमेल गैमेट। एनाइसोगैमस का मतलब है वो अलग है, और ओगैमस एनाइसोगैमस की ही फॉर्म है जिसके अंदर फीमेल ओवा डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें ग्रीन एल्गा के, कौन कौन से? क्लमाइडोमोनास है, वोल्वोक्स हैं, ऑल्थोरिक्स हैं, स्पायरोगायरा और चारा, ये डायग्राम में आपको मिल जाएंगे पीछे, ये सारे के सारे आप इनको देख लेना। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या रहेगा?
फियो फाइसी। अब जैसे वर्ड है सी ए ई बोल सकते हैं इस बच्चों को भी, ये तो सी ए सी ई ए ई लगा है, सी ए ई बोल लेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बोल लोगे फियो फाइसी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होती है बायोलॉजी के अंदर, हालांकि सबके सेम नहीं होती लेकिन फिर भी रिलेटेबल रखनी जरूरी होती है। द मेंबर, जैसे कि कुछ लोग स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, तो पीछे पीछे का तो कम से कम सेम है। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गा, ऊपर कौन सी पड़ी थी ग्रीन एल्गा, नीचे कौन सी है ब्राउन एल्गा। देखो ग्रीन एल्गा में कौन सा क्लोरोफिल था, आपने पढ़ा क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन में दूसरा मिलेगा, कौन सा मिलेगा देखते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात, प्राइमरली ये ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, मरीन हैबिटेट में, ताज़े पानी में, नदी के पानी में नहीं मिलेंगी, खारे पानी में, समुद्र में मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा साइज या इनकी फॉर्म में डिफरेंस होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफेसली ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंट बाय द कैल्प्स। देखो ज़्यादा फैली भी कौन सी है, कैल्प्स, सिंपल कौन सी है, एक्टोकार्पस, दोनों को याद रख लेना। और कैल्प्स जो है ना वो तो भाई 100 मीटर तक की हाइट को अचीव कर लेता है, अगर को बढ़ता रहे तो। अब क्लोरोफिल कौन से हो गए इनके अंदर, पहले था आपके पास ए एंड बी, अब इसके पास है अलग अलग चार आपके क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल्स। अब देखो ब्राउन कलर बनाना है तो कई सारे कलर मिक्स करने पड़ेंगे, तो इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हैं। दे वेरी इन कलर, अब ओलिव ग्रीन, देखो इसी बुक में नीचे को जो कलर दिख रहा है ना, ये वाला जो कलर है ये ओलिव ग्रीन होता है, टू वेरियस शेड, क्योंकि इसकी ब्राउन, क्योंकि ब्राउन एल्गा बोलते हैं, तो ब्राउन एल्गा की अलग अलग शेड तक ये पहुँच जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि भाई जितना जेंथोफिल गिरेगा ना उतनी ये क्या दिखाएगा, कलरिंग दिखाएगा। जेंथोफिल है, फूकोजेंथेन है, ठीक है, प्रेजेंट इन देम, फूकोजेंथेन इनके अंदर होता है। अब देखो दूसरा, हमने पहले पढ़ा था कि भाई पायरेनोइड्स है जो क्या स्टोर करते थे पहले क्लोरोफाइसी में, प्रोटीन। अब आपके पास कौन आएगा फूड स्टोरिंग यूनिट, आपकी यहाँ पे रहेगी जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल, या तो इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन या रहेगी मैनिटोल की फॉर्म में। स्टोर कौन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, पहले पायरेनोइड की फॉर्म में प्रोटीन स्टोर हुआ था। वेजिटेटिव सेल हैव ए सेलुलोजिक वॉल, जो आपकी सेल है वेजिटेटिव सेल उसके पास क्या होती है, सेलुलोजिक वॉल, पहले वाले के पास सेलुलोज भी था और पेक्टोज भी था। आउटसाइड बाय द, और आउटसाइड क्या होती है, जिलेटिन की कोटिंग होती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, एल्गीन। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि डिटेल के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, और डिटेल दे देंगे आपको, एग्जाम्पल पूछ लेंगे। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, अब जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड ए न्यूक्लियस, यहाँ पे प्लास्टिड के साथ साथ एक वैक्यूल होगा बीच में और न्यूक्लियस भी होगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट, आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं टॉपिक होने के बाद, होल्ड फास्ट से जुड़ी होती है, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे जुड़ी है इसको बोलते हैं आपका होल्ड फास्ट, और जो लंबी सी ट्यूब है इसको बोलते हैं स्टाइप, ठीक है, और जो ऊपर पत्ते जैसा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फ्रोंड, तो क्या रहेंगे, स्टाइप, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फ्रोंड, तो नीचे होल्ड फास्ट, ये लंबा सा थ्रेड स्टाइप, और सबसे ऊपर पत्ते जैसा फ्रोंड, ठीक है। अब देखो आप चीज़ देख रहे होगे, इन्होंने कहा कि लीफ लाइक और एक तो जुड़ा हुआ है रूट लाइक और बीच वाला स्टेम लाइक है, तो देखो हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो अब आप यहाँ धीरे धीरे देख के समझ जाओगे कि हम इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, कि पहले सिंपल था, क्यों था, बाद में डेवलप कैसे हुआ। अब किसी के अंदर भी आपको यहाँ पे ज़ाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिल रही, वो आएगी आपको आगे देखने में, समझ में आएगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये देखो अब तक सबका कॉमन है, अब धीरे धीरे आगे गायब भी हो जाएगा लेकिन ऐसा ही रहेगा। एसेक्सुअल में जूस पोर बन रहा था, इनके अंदर भी क्या बनता है, जूस पोर, ठीक है, और लिखा है कि पियर शेप होता है इसके अंदर, और टू उसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला, दो फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, दो पूछ हैं उस एक की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस कोई भी हो सकता है, देखो पानी में रहते हैं तो इनका जो गैमेट जो मिलेंगे ना वो कहाँ मिलेंगे, आपके पानी में, और स्टैंडर्ड तरीके से क्या होते हैं, ये ओगैमस होते हैं, मतलब के जो ओवा है वो डोमिनेट करता है। द गैमेट आर पायरीफॉर्म, मतलब के पियर शेप होते हैं, बियर टू लिटरल फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं उनके पास। द कॉमन फॉर्म की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया, सरगैसम और फूकस। अब हमने पढ़ा था कि भाई पीछे एग्जाम्पल फूकस या सरगैसम के बारे में, तो वो पूछ लेंगे कि वो बेसिकली कौन सी एल्गा है, वो क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है या रोडोफाइसी। अब आपने पढ़ा कि क्लोरोफाइसी हरी थी, फियोफाइसी सॉरी आपकी ग्रीन थी, और आपकी रोडोफाइसी कैसी कलर की होनी चाहिए फिर, रोडो मतलब रेड कलर की। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा बिकॉज ऑफ प्री डोमिनेंस
रेड पिगमेंट, और पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइको एरिथ्रिन। एरिथ्रोसाइट आप सबको पता होगा, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, और एरिथ्रो से वर्ड आ गया आर फाइको एरिथ्रिन, मतलब कि ये भी लाल रहेंगे जैसे कि आपकी आरबीसी लाल होती हैं। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मेरीन विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। मेरीन है, और मरीन भी कौन सी, जो ज़्यादा गर्मी में होती हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम इसको एक ओशन कंसिडर करें तो या तो डेप्थ में लावा ट्यूब के पास हीट होती है या अपर सरफेस में हीट होती है, बीच में तो ठंडा पानी होता है। तो इसको हमने क्या कहा था कि ये मरीन है और वहाँ मिलेगी जहाँ पर पानी वार्म होता है, तो ऑब्वियसली बात है या तो बिल्कुल सरफेस के पास मिलेगी या बिल्कुल बॉटम में मिलेगी, और ऐसी जगह भी रह सकती है जहाँ पे लाइट मुश्किल से ही पहुँच पाती है, बिल्कुल डीप सीज के अंदर भी ये मिल जाएगी, क्योंकि इसको एनर्जी मिलती है कहाँ से, अपनी हीट वेंट से। द रेड थैलस, इसका जो कवरिंग होती है, जो ये खुद होता है, थैलस होता है, आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, फूड की बात तीनों के अंदर आई है, पायरिडीन, फ्लोरिडीन और मैनिटोल था ऊपर, नीचे फ्लोरिडीन स्टार्च आ गई, ऊपर एक वाले में प्रोटीन स्टोर होता था, दूसरे वाले में कार्बोहाइड्रेट, तीसरे वाले में स्टार्च स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन से ये काफ़ी मिलती जुलती है। अब बात आती है रेड एल्गा की, ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करती है, ये सेक्सुअली डिवाइड कर लेती है, नॉन मोटाइल इसके स्पोर होते हैं, सेक्सुअली इसके स्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, टेबल को पढ़ते हैं एक बार, ये टॉपिक कर लेते हैं इसके बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओगैमस, ओगैमस आप तक समझ चुके होंगे कि भी ओवा डोमिनेटिंग होता है, एनाइसोगैमस कंडीशन होती है, और एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं। द कॉमन मेंबर की बात करें तो पॉलीसिफोनिया, प्रोफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेरिडियम, जिनसे क्या बना था, अगर बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जोड़नी है कि पहले हमने जो एग्जाम्पल दिए थे वो स्पेसिफिकली किसके हैं। अब एक बार टेबल देख लेते हैं और फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट। देखो इस टेबल में सब कुछ बता रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी एंड फुगोसेंथिन, उसके बाद आएगा फाइको एरिथ्रिन ए और डी। अब देखो सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में, फियोफाइसी के अंदर मेंटोल या लेमिनेट स्टार्च की फॉर्म में, और लास्ट में आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल किससे बने होती है, पहली वाली की बनी होती है सेलुलोज से, दूसरी वाली की सेलुलोज से और एल्गिन से, और तीसरी वाली की सेलुलोज, पैक्टीन, पॉलीसल्फोनेट या इस तरह से बनी होती है। अगर बात करें फ्लैजिला की, पहले वाले में 2 से 8 हो जाएंगे, दूसरे वाले में 2 अनइक्वल और लेटरल, जो कि साइड में हाथों की तरह फैले होते हैं, एबसेंट होते हैं लास्ट वाले के अंदर, हैबिटेट आपने इनका पढ़ लिया। तो ये थी वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।